हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सिकमी ज़मीन के बारे में बताने वाला हूं कि सिकमी ज़मीन किसे कहते हैं। सिकमी ज़मीन ऐसी ज़मीन होती है जो एक किसान दूसरे किसान को खेत जोतने के लिए दे देता है, और जब सर्वे किया जाता है तो उस ज़मीन को सर्वे में सिकमी ज़मीन कर दिया जाता है। यानी एक खेत दो आदमी के नाम पर दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक के पास उस खेत का कागजात रहता है और एक के पास उस खेत का कागजात नहीं रहता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे किसान वन और किसान टू लेते हैं। किसान वन जो है, जिसके पास खेत का कागजात है, ठीक है, उस किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया है, ठीक है। मान के चले ऐसा, किसान वन जो है वो उसके पास खेत का कागजात है। मान के चलो ये जो खेत हम दिखा रहे हैं आपको, ये खेत देख सकते हैं, ठीक है। ये जो खेत है किसी किसान का है, किसान वन का है, और वो किसान इस खेत को अभी फसल नहीं उगाता है, फसल नहीं जोतता है। तो किसान टू जो है उस किसान वन के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके जो खेत है इस पर फसल उगाऊंगा, आपको मैं 50% हो चाहे 60% हो, इस खेत में जो फसल उगेगा उसका मैं किसान वन को दूंगा, ठीक है। किसान वन वन को, किसान जो वन है उसको वो 50% हो 60% हो इस फसल को वो देगा। इस तरह से कुछ सौदा होता है दोनों में, ठीक है। तो किसान टू क्या करता है, उस खेत को जोतने लगता है, और जोतते जोतते जैसे कि 10 साल 12 साल है ना, 15 साल होने के बाद, 20 साल होने के बाद एक सर्वे किया जाता है, ठीक। 10-15 साल के बाद ज़मीन का जब सर्वे किया जाता है तो उस टाइम पर जो किसान टू है, और किसान टू जिस ज़मीन पर फसल उगा रहा है उसका भी उस ज़मीन पर नाम चढ़ जाएगा, और किसान वन जो है जिसके पास अपना कागजात है उस ज़मीन का, उसका भी नाम तो रहेगा ही। तो दोनों का जब एक ही ज़मीन पर नाम चढ़ जाता है, किसान टू के पास तो कागजात नहीं है, वो उस ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ फसल उगाने के पर्पस से ही वो उस खेत को जोत रहा था, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसका भी नाम उस खेत में चढ़ गया, ठीक है। तो वैसे ज़मीन को सिकमी ज़मीन के अंडर कर दिया जाता है। तो उस ज़मीन को ना आप बेच सकते हैं और ना ही किसी से खरीद सकते हैं, ठीक है। उसमें दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। जब भी आप बेचना चाहते हैं उन दोनों की रजामंदी होगी तभी आप उस खेत को बेच सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी इसी तरह से देता रहूँगा। धन्यवाद।